नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हो सकता है कि आप एक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हो। एंड अभी इंडियन मार्केट में तो सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स है डेफिनेटली होंडा एक्टिवा 60 एंड जुपिटर। दोस्तों, आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है कि इन दोनों स्कूटर्स में ले कौन से। तो दोस्तों, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों के डिटेल में कंपेरिजन करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एकदम बेसिक पॉइंट कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या वेरियंट्स है वो भी यहाँ पे एक बार देख लेंगे। एक्टिवा 60 लेंगे तो इसमें दो वेरियंट्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें से इसके स्टैंडर्ड वेरियंट में 6 कलर ऑप्शंस कंपनी आपको देती है, जिसमें से है डिसेंट ब्लू, मैट एक्सेस ग्रे, मेटालिक कॉपर, मेटालिक ब्लैक, पर्ल, प्रेसिज व्हाइट एंड रेबल रेड। ये काफ़ी शानदार कलर ऑप्शंस है। इसमें से एक जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। प्रीमियम एडिशन में कंपनी आपको 3 कलर ऑप्शंस देती है, जिसमें से है मैट रेड मेटालिक, मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक एंड पर्ल साइलेंट ब्लू। हाल ही में लॉन्च हुई स्मार्ट की वेरिएंट यानी 8 स्मार्ट जो वेरिएंट है, उसमें भी ये कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें से जो ब्लू कलर है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इंडियन बायर्स ने भी इस कलर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर TVS Jupiter लेते हैं तो 5 डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है। बेस वेरिएंट में 6 कलर ऑप्शन मिलता है, जिसमें से है मेटालिक ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, टाइटेनियम ग्रे, मेटालिक रेड एंड ब्राउन कलर। ZX वेरिएंट एंड ZX डिस्क वेरिएंट अगर आप लेंगे तो उसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से है स्टारलाइट ब्लू एंड रॉयल वाइन, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मेरे हिसाब से। ये दोनों ही डिस्क वेरिएंट्स हैं। जुपिटर के क्लासिक वेरिएंट में 2 कलर ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आपको मिलता है मिस्टिक ग्रे एंड रिगल पर्पल। ये भी काफ़ी प्यारा है। जुपिटर के टॉप वेरिएंट यानी कि ZX स्मार्ट कनेक्ट, जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलता है, उसमें भी 2 कलर ऑप्शंस कंपनी आपको देती है, जिसमें से मैट ब्लैक एंड कॉपर ब्रॉन्ज कलर। तो दोस्तों, यहाँ आप देख ही सकते हो कि वेरिएंट्स एंड कलर्स के मामले में जुपिटर काफ़ी आगे है। कलर्स के बाद अब लुक्स एंड डिजाइनिंग की भी बात कर लेते हैं। होंडा एक्टिवा 60 के लुक आप यहाँ पर देख ही सकते हो। दोस्तों, सड़कों में निकलोगे ना तो 5 स्कूटर्स में से 2 स्कूटर होंडा एक्टिवा का दिखता ही है। चलिए देख लेते हैं इसका लुक कैसा है। फ्रंट में इसके ना हेड लैम्प्स आपको मिल जाएंगे, जिसके साइड में ना टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जो कि पहले जब लॉन्च हुआ था ना तो काफ़ी यूनिक लगता था। फ्रंट एप्रन में आपको ब्लैक एंड क्रोम का गर्निशिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट एप्रन इसकी फाइबर के दिए हुए हैं, जिसके ऊपर पोर्शन में सेंटर में देखिए आपको मिल जाएगी होंडा की बैजिंग। फ्रंट फेंडर के ऊपर देखिए रिसेंट मॉडल्स में ना एक ब्लैक कलर की फाइबर बैंड लगा हुआ है सामने, ऐसे कुछ इस तरीके से, जो पहले जो मॉडल्स थे ना उसमें नहीं दिए थे, जो रिसेंट मॉडल्स है उसमें ये आने लगी है। ये खासकर प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने प्रोवाइड करी है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट्स जो है इसके ट्रेडिशनल ब्लैक कलर की सीट एंड ब्लैक कलर की फ्लोरबोर्ड्स एंड इंटीरियर दिए हुए हैं, एंड इसके जो प्रीमियम वेरिएंट्स है ना, उसके मैट सीट कलर एंड इंटीरियर वगैरह उस समय में मैट ब्राउन कलर के फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी साइड पैनल मेटल की है, जिसमें ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएंगी। एक्टिवा 60 की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी एंड रियर में आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगी इसकी टेल लैम्प एंड एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, जो कि ऑपरेटेड होती है इसकी मल्टी फंक्शनल की केयर्स। तो एक्टिवा की फ्लोर बोर्ड जो है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, आपको सफिशियंट लेग रूम मिल जाती है। अब जुपिटर के ओवरऑल लुक भी देख लेते हैं। यहाँ फ्रंट में आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगी, टर्न इंडिकेटर फ्रंट एप्रन के ऊपर दिया हुआ है। TVS की बैजिंग इसके सेंटर में आपको देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड वेरिएंट में ना सीट एंड इंटीरियर वगैरह ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। ZX या फिर ZX डिस्क वेरिएंट या फिर अगर आप ZX स्मार्ट कनेक्ट यानी कि टॉप वेरिएंट लेंगे तो इसके इंटीरियर एंड सीट वगैरह मैट ब्राउन कलर की देखने को मिल जाएगी। ZX कनेक्ट वेरिएंट में पिलियन बैकरेस्ट एंड साइड पैनल में क्रोम पैटर्न में जुपिटर की बैजिंग देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी जो क्लासिक वेरिएंट है उसमें सामने एक वाइजर दिया हुआ है, पिलियन बैकरेस्ट भी है पीछे, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि जुपिटर के अलग अलग वेरिएंट्स में डिफरेंट ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स कंपनी प्रोवाइड करती है बायर्स के पसंद के अनुसार। इसके फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी स्पेशियस है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग इसमें भी दिया गया है। बात करें होंडा एक्टिवा की तो इसमें 109.51 cc का फैन कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन मिल जाता है, जो मैक्सिमम 7.79 PS की पावर 8000 RPM में एंड मैक्सिमम 8.84 न्यूटन मीटर की टॉर्क 5500 RPM में आपको प्रोड्यूस कर देती है। जुपिटर में 109.7 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक CVTI एंड FIS टेक्नोलॉजी वाली इंजन लगी हुई है, जिसमें मैक्सिमम 7.88 PS का पावर एट 7500 RPM एंड 8.8 न्यूटन मीटर के मैक्सिमम टॉर्क एट 5500 RPM मिल जाती है। दोनों ही स्कूटर में किक एंड सेल्फ स्टार्ट के फीचर्स मिल जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि पावर जुपिटर में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क दोनों में लगभग सेम ही है।
होंडा एक्टिवा की जो इंजन है ना उसकी रिलायबिलिटी इंडियन मार्केट में कुछ ज़्यादा ही है। ये स्कूटर बहुत दिनों से इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है एंड बहुत अच्छे मात्रा में बेची भी जाती है एंड बायर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है भरोसा भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुपिटर की इंजन भी बहुत अच्छी है, इसको भी बायर्स ने बहुत प्यार दिया है। तो आप इन दोनों में से अपने चॉइस के अनुसार किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। अब सस्पेंशन सेटअप की भी बात कर लेते हैं। होंडा एक्टिवा में फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर्स मिल जाते हैं। जुपिटर में भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक एंड रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल कॉइल जो भी आती है कि हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ वो है। मतलब दोनों में ही सस्पेंशन सेटअप लगभग सेम ही दिया गया है। लेकिन अगर आप टायर एंड ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एक्टिवा के फ्रंट में 90x90 के 12 इंच एंड रियर में 90x100 की 10 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। इसमें अलॉय व्हील की ऑप्शन अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है एंड रियर के टायर साइज 10 इंच ही रखा गया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाती है। डिस्क ब्रेक की ऑप्शन अभी तक एक्टिवा की किसी भी वेरियंट में अवेलेबल नहीं है। जुपिटर में फ्रंट एंड रियर दोनों में ही 90x90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि नो डाउट एक अच्छा फीचर है टीवीएस की तरफ से। अलॉय व्हील की भी ऑप्शन मिल जाती है एंड शीट मेटल व्हील करके एक वेरिएंट भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। फ्रंट में डिस्क का ऑप्शन मिल जाती है इसकी ZX जो वेरिएंट है उस वेरिएंट्स में। जुपिटर में SBT यानी कि सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाती है जो कि CVT के साथ लगभग सेम ही है। दोस्तों अब दोनों की फीचर्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन से स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिल सकती है। एक्टिवा एंड जुपिटर दोनों में ही आपको LED हेडलैम्प मिल जाती है। एक्टिवा 60 में एकदम बेसिक सा एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाती है जिसमें स्पीड फ्यूल ओडोमीटर जिसमें से कि एकदम बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। एडवांस जो भी फीचर्स है वो सब कुछ अभी तक इसमें अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सिंपल सा इसको रखा गया है। लेकिन हाल ही में इसकी जो एक वेरियंट लॉन्च हुई है 8 स्मार्ट वेरियंट उसमें आपको कीलेस फीचर मिल जाती है। एक एक्स्ट्रा कीज में आपको दिया जाता है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वो आपको मिलता है। जुपिटर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ी एडवांस रखा गया है या फिर कह सकते हैं कि इसमें कंपनी बहुत सारे वैरायटी आपको ऑफर करते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको बेसिक से एनालॉग मीटर आपको मिलेगी जिसमें स्पीड फ्यूल ओडोमीटर वाली बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। ZX डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो इसमें एनालॉग डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाती है। क्लासिक वेरिएंट लेंगे तो उसमें क्लासिक एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाती है जो कि क्लासिक लुक के साथ आता है। यही अगर आप ZX स्मार्ट कनेक्ट लेते हैं तो उसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाती है वो भी मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ। मतलब जुपिटर में कंपनी अलग अलग वेरिएंट ऑफर कर रही है बायर्स को जिनमें से आप अपने चॉइस के अनुसार एंड अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि फीचर्स के मामले में भी जुपिटर काफ़ी आगे निकल गई। एक्टिवा 60 में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाती है। यही जुपिटर में इंजन किल स्विच भी दिया हुआ है इसके साथ। एक्टिवा 60 में 18 लीटर की बूट स्पेस दिए गए हैं। जुपिटर में 21 लीटर के बूट स्पेस मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको बूट लैंप मिल जाती है। दोनों स्कूटर में आपको हेलमेट वगैरह आराम से आप रख सकते हैं इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो है उसमें। दोनों ही स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दिए गए हैं जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मतलब फ्यूल भरवाने के लिए ना बार बार सीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों ही स्कूटर में लगेज हुक वगैरह दिया गया है। दोनों ही स्कूटर्स में साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ है जो कि सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छी फीचर है। अब माइलेज एंड टॉप स्पीड की भी बात कर लेते हैं। स्कूटर्स जो है ना वो वैसे ही कम माइलेज प्रोवाइड करती है बाइक के कंपैरिजन में और स्कूटर्स जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो उसकी माइलेज भी कम होती जाती है। एक्टिवा में 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक 1.3 लीटर के रिजर्व के साथ आपको मिल जाती है एंड जुपिटर में 6 लीटर के फ्यूल टैंक दिए गए हैं 1.5 के रिजर्व के साथ। मतलब फ्यूल कैपेसिटी जो है वो भी जुपिटर में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाती है। एक्टिवा में ऑन एन एवरेज 50-53 km/h तक आपको मिल जाएंगे एंड जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो उसमें 48-50 km/h तक माइलेज आपको मिलेंगे। जुपिटर में कंपनी टेस्टेड जो माइलेज है वो है 61 km/h लेकिन सिटी राइड्स में 55 km/h तक आपको मिल जाएंगे। आप देख ही सकते हैं कि माइलेज भी जुपिटर में थोड़ी सी बेटर है। दोनों स्कूटर्स में टॉप स्पीड 85-90 km/h तक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जुपिटर जो है ना वो थोड़ा सा बल्कियर साइड में है। इसमें जो ओवरऑल हाइट एंड विड्थ है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक्टिवा के कंपैरिजन से। सो जो शॉर्टर राइडर्स हैं या फिर लेडीज़ हैं जिनको थोड़ा सा मतलब हेवियर गाड़ी पसंद नहीं है या फिर कंफर्टेबल नहीं होती तो उनके लिए जुपिटर शायद उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं भी हो सकती है। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके अपना कंफर्ट ज़रूर चेक करिए।
तो आइए दोस्तों प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो कौन सी गाड़ी आपके बजट में सबसे ज़्यादा अच्छे से फिट आती है वो भी देखते हैं। होंडा एक्टिवा 60 के स्टैंडर्ड वेरिएंट के दिल्ली में एक शोरूम प्राइस 74,000 से स्टार्ट होते हैं। प्रीमियम एडिशन का रहता है 76,000, डीलक्स वेरिएंट का 77,000 एंड हाल ही में लॉन्च हुई 8 स्मार्ट वेरिएंट का 80,000 से स्टार्ट होती है। जुपिटर की दिल्ली में एक शोरूम प्राइस जो शीट मेटल व्हील वेरिएंट है उसका है 71,000, बीएस वेरिएंट का है 75,000, जेडएक्स वेरिएंट का है 80,000, जेडएक्स डिस्क वेरिएंट का है 84,000 एंड जेडएक्स स्मार्ट कनेक्ट जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ आता है उसका है 87,000 एंड क्लासिक वेरिएंट का रहता है 88,000। सो दोस्तों लगभग सारे एस्पेक्ट्स एक्टिवा 60 एंड जुपिटर को लेकर हमने देख लिया है। तो अगर आपको बहुत सिंपल सा स्कूटर चाहिए, होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए एंड आपको इंजन चाहिए अच्छा वाला एंड आपको लॉन्ग टर्म गाड़ी को यूज़ भी करना है तो आप होंडा एक्टिवा को ले सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स चाहिए, बहुत डिफरेंट स्टाइलिश लुक्स चाहिए, मॉडल चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा एडवांस फीचर चाहिए तो आप जुपिटर को भी ले सकते हैं।